कायद्याची पायमल्ली करून नियमबाह्य पद्धतीनं रेटून देण्याचं काम झालंय. सर्वात पहिल्यांदा आजची बोलवलेली बैठक नियमाला धरून नाही. याचं कारण असं आहे की मागच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रगीत झाल्यामुळे हे अधिवेशन संपलं होतं आणि आता नवीन अधिवेशन बोलवण्याचं समन्स काढण्याची आवश्यकता होती. पण अशा प्रकारचं समन्स हे काढण्यात आलेलं नाही, त्यामुळे हे अधिवेशनच बेकायदेशीर आहे अशा प्रकारचा आक्षेप हा या ठिकाणी आम्ही घेतला. आणि बाबा मी हिंदीत बोलू होतो, त्यामुळे हे अधिवेशनच या ठिकाणी पूर्णपणे असंवैधानिक आहे अशा प्रकारचं आमचं मत आहे. दुसरा मुद्दा, मंत्र्यांनी जी शपथ घेतली ती शपथ देखील अवैध आहे, कारण भारताच्या संविधानामध्ये आपण या ठिकाणी शपथेचा प्रोफॉर्मा दिलाय. या प्रोफॉर्माप्रमाणे राज्यपालांनी मी म्हटल्यानंतर तशीच्या तशी शपथ वाचावी लागते. पण या ठिकाणी अनेक लोकांची नावं घेण्यात आली, मग कोणी माननीय बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घेतलं, तेही घेताना हिंदू हृदय सम्राट हे काढून टाकलं, केवळ माननीय बाळासाहेब ठाकरे घेतलं. पण कुठल्याही प्रकारे कोणी सोनियाजींचं नाव घेतलं, कोणी पवारसाहेबांचं नाव घेतलं, हे काहीही मॅडम प्लीज, हे काहीही या ठिकाणी करणं हे पूर्णपणे अवैध आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मंत्र्यांचा परिचय करून देताना मुख्यमंत्र्यांसहित सगळ्या मंत्र्यांची शपथ ही अवैध आहे हा मुद्दा देखील आम्ही मांडला आहे. यासोबत भारताच्या इतिहासामध्ये आजपर्यंत कुठल्याही विधानसभेत किंवा लोकसभेमध्ये प्रोटेम स्पीकर हटवण्याची आजपर्यंत कारवाई करण्यात आली नाही. पहिल्यांदा प्रोटेम स्पीकर हटवण्याचं काम नियमबाह्य पद्धतीनं करण्यात आलं आणि नवीन प्रोटेम स्पीकर यात तयार करण्यात आला. महाराष्ट्रामध्ये अक्षरशः संविधानाची पायमल्ली हे तीन पक्ष एकत्रित येऊन या ठिकाणी करतायत आणि म्हणून त्याच्यावर देखील आम्ही ऑब्जेक्शन घेतलंय. अशा प्रकारे प्रोटेम स्पीकर या ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीनं हटवता येत नाही. कौल आणि शेकदर याचा दाखला आम्ही दिलेला आहे, त्यात देखील एकदा प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट केल्यानंतर त्यांना हटवता येत नाही. चौथी गोष्ट अशी की महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या इतिहासामध्ये आजपर्यंत जोवर रेग्युलर स्पीकरचं इलेक्शन होत नाही तोपर्यंत विश्वासमताचा प्रस्ताव येत नाही. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला होता तो केवळ त्या दिवशी पुरता होता की प्रोटेम स्पीकरनी ती फ्लोर टेस्ट करावी, आजच्या करता तो लागू नव्हता. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजपर्यंत असं कधी घडलेलं नाही, परंतु गुप्त मतदान पद्धतीनं स्पीकर निवडला तर आपला स्पीकर पडेल आणि आपलं सरकार गडगडेल या भीतीनं आपले आमदार लपवून ठेवणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेनं आज या ठिकाणी स्पीकरची निवडणूक घेण्याचं टाळलं आणि प्रोटेम स्पीकरच्या माध्यमातून या ठिकाणी विश्वासमताचा प्रस्ताव दाखवतायत. कारण त्यांच्या आमदारावर त्यांचा विश्वास नाही आहे, प्रत्येकाला उभं करून या ठिकाणी त्यांनी मी मत देतो असं सांगावं याकरता हा घाट घालण्यात आलेला आहे. पूर्णपणे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, कायदा आणि संविधानाची पायमल्ली चाललेली आहे आणि म्हणून या सभागृहामध्ये संविधानाच्या अनुरूप काम होत नाही, त्या सभागृहात आम्ही बसणार नाही हा पवित्र आम्ही घेतला आणि म्हणून सभागृहावर आम्ही या ठिकाणी बहिष्कार, सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकून आम्ही या ठिकाणी बाहेर आलेलो आहोत. हे जे कामकाज चाललंय हे संविधानानुरूप नाही आहे, त्यामुळे या कामकाजाला मान्यता मिळू नये अशा प्रकारचं पत्र देखील आम्ही माननीय गव्हर्नर साहेबांना देणार आहोत. आज जो हमारे सभागृह का कामकाज चला, ये संपूर्ण कार्यावली संविधान के अनुरूप नहीं थी. जो संविधान के अनुरूप विधानसभा के नियम बनाए हैं उन नियमों को ताक पर रखकर ये सारी कार्रवाई की गई. मूल रूप से इस अधिवेशन को बुलाने के लिए एक नया समन इश्यू जारी होना चाहिए था, क्योंकि पिछला अधिवेशन जो फ्लोर टेस्ट का
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ, उसमें जन गण मन यानी राष्ट्रगीत होने के बाद वो अधिवेशन समाप्त हुआ, उस अधिवेशन को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन संविधान को ताक पर रखकर नया अधिवेशन बुलाने की जगह उसी अधिवेशन को कंटिन्यू करने का काम यहाँ किया गया। जो मुद्दा हमने उठाया कि आज का अधिवेशन ये संविधान स्वरूप नहीं है, इस प्रकार से बुलाया नहीं जा सकता। दूसरा मुद्दा हमने उठाया, संविधान में कार्य पद्धति दी है, किस प्रकार से मंत्रियों ने शपथ लेनी चाहिए, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है राज्यपाल जब मैं कहते हैं उसके बाद जो नमूना है उसकी शपथ लेनी चाहिए। एक शब्द भी इधर का उधर हो जाता है तो शपथ सही नहीं मानी जाती। परसों मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रियों ने शपथ लेते समय अलग अलग प्रकार के नेताओं का उल्लेख किया, किसी ने सोनिया जी का किया, किसी ने पवार साहब का किया, और इसके कारण जो शपथ है वो संविधान के नमूने के अनुसार नहीं हुई और इसलिए वो शपथ अवैध है। और इसलिए ऐसे मंत्रियों का परिचय इस सभागृह में करना ये संविधान सम्मत नहीं है और इसलिए हमने इसका भी वहां पर निषेध किया है और ये संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा, ये भी बताया है। तीसरी बात, संविधान को ताक पर रखकर प्रोटेम स्पीकर को जिस प्रकार से हटाया गया, प्रोटेम स्पीकर को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। देश के इतिहास में किसी भी लोकसभा में या किसी भी विधानसभा में आज तक प्रोटेम स्पीकर को हटाकर दूसरे प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करने की घटना नहीं घटित हुई। पॉल शेक्दर हो या संविधान में जो हमारी प्रोविजंस हो उसके चलते प्रोटेम स्पीकर को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन सभागृह में मनमानी करनी थी इसलिए प्रोटेम स्पीकर को हटाकर संविधान को ताक पर रखकर ये सारी कार्रवाई यहाँ पर की गई, इसका भी हमने निषेध किया है। चौथी चीज, हमारे महाराष्ट्र की विधानसभा के इतिहास में आज तक कभी भी जो फ्लोर टेस्ट होती है वो रेगुलर स्पीकर के चुनाव के बाद ही होती है, लेकिन इस सरकार को ये डर था रेगुलर स्पीकर का चुनाव ये बैलेट पद्धति से, सीक्रेट बैलेट पद्धति से होता है, और उसमें इनको ये पता था कि इनके एमएलए में इतना ज्यादा रिजेंटमेंट है कि यहाँ पर उनका स्पीकर चुनकर नहीं आ पाएगा और ये सरकार जाएगी। इसलिए फिर एक बार सारे नियमों को ताक पर रखकर इन्होंने स्पीकर के चुनाव से पहले फ्लोर टेस्ट का ऐलान किया और अपने एमएलएस को इतने दिनों से होटल में, फाइव स्टार होटल में कैद में रखकर और आज उनको यहाँ लाकर ओपन पद्धति से पहले मतदान कीजिए उसके बाद ही जाइए, और इसके लिए पूरे नियमों को, संविधान को ताक पर रखने का काम यहाँ किया गया। ये पूरा काम आज जो हुआ है ये सारा का सारा काम नियमों को, संविधान को ताक पर रखकर हुआ है, ये संविधान सम्मत इस प्रकार का काम नहीं है। हमने इसका ऑब्जेक्शन दिया है, संविधान के अनुसार जो सभागृह नहीं चलता उसमें हम काम नहीं कर सकते, हम संविधान अनुरूप ही काम करेंगे। इसलिए हम सबने इस सभागृह के कामकाज पर बहिष्कार डाला है। हम माननीय राज्यपाल जी को एक पत्र भी देने वाले हैं कि ये सारा कामकाज निरस्त हो, क्योंकि राज्यपाल जी की यह जिम्मेदारी है कि ये सभागृह ये संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। अगर संविधान को यहाँ पर ताक पर रखा जाता है, संविधान के नियमों का उल्लंघन होता है, तो माननीय राज्यपाल जी ने ये सारी कार्रवाई निरस्त करनी चाहिए, इस प्रकार की मांग हम राज्यपाल जी से भी करते हैं। पहले हम राज्यपाल जी के पास जाएंगे, उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो सब जगह जाएंगे।